तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दूसरी नर्सरी में लेके चलती हूँ। तो पेड़ यहाँ पर देखने के लिए, यहाँ पर आपको काफ़ी सुंदर पेड़ हैं, जैसे बालकनी में रख लेते हैं नर्सरी में, काफ़ी सारी नर्सरी अच्छी सारी है। और भी मैं बहुत सुंदर सुंदर दिखाने वाली हूँ आपको। पहले तो हम स्टार्टिंग कर लेते हैं यहाँ से। ये आप देख सकते हैं ठंड की और इसकी वजह से यहाँ पर तो मैं ताऊ को बुला के ताऊ से पूछ लेती हूँ। ताऊ ये 1000 रुपए का पौधा दे रखा है, ताऊ को भेजो। ताऊ को गोभी की पौध है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जामुन की पौध है। पहले मैं थोड़ी सी इधर भी है, देखिए ये दिखा दूँ, ये मैं कलम से लेके आई हूँ। कलम ग्राफ्टिंग मैंने अपने आप करी है, जैसे कि आप से मैंने बताया है कि जैसे मैं बताती हूँ। ये आपने जामुन की लगा रखी है पौध, लीची है ये। तो लीची की पौध 1000 रुपये का पौधा दे रखा, 200 रुपये का। अगर आप देने के मूड में हो तो 100 रुपये का दे दोगे? नहीं, 200 का ही देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया है। तो यहाँ पर लीची का पौधा 200 रुपये का है। और ये यहाँ पर कौन सा पौधा जाता है फिर? 200 रुपये का एरोकेरिया। एरोकेरिया, ये एरोकेरिया है। इतना बड़ा प्लांट है, देखो इतना बड़ा मिलेगा प्लांट 200 रुपये का। और ये यहाँ पर दूसरा जो आ जाता है फिर, ये तीन कलर वाले मोरपंखी है। ये मोरपंख है, ये 1000 रुपये का आता है फिर? ये 150 रुपये का आता है मोरपंख। ये एलोकेरिया, ये मोरपंख है। और पल्ली तरफ वो जूनिपरस है, गोल्डन जूनिपरस। अच्छा, ये गोल्डन जूनिपरस है। ये पौधा आप देख रहे हैं, ये पौधा गोल्डन जूनिपरस पौधा है। ये भी इतने का ही है, ये 250 का है, ये 200 का है, ये 150 का है। मोर पंख 150 का है, ये 200 का है। ओके, एक यहाँ पे सूख भी रहा है। और ये कौन सा आ जाता है फिर, ये पौधा 1000 रुपये का, और कौन सा है ये? क्या नाम है इसका? अच्छा, मोइनी पौधा। ये है मोइनी पौधा, काफी सुंदर है। और बड़े बड़े जो लेने होते हैं, जैसे कि वो भी ये कटिंग वाले हो गए अपने, जो बढ़िया होते हैं। ये बगनवेल है। अच्छा, ये बगनवेल है। ये बगनवेल, ये 1000 रुपये का? ये पूरा का पूरा पोटी आप देने वाले हैं फिर, हैं जो कोई लेने वाला आएगा? 1000 रुपये का? 900 रुपये का आपका बगनवेल। बगनवेल, मगनवेल, बगनवेल, बगनवेल है, वही बोल रही हूँ मैं। ये जो है जनेडू, इसे फिर 1000 रुपये का देने वाले हैं आप? 1500 रुपये। अच्छा, 1500 रुपये का। तो इसकी क्या खासियत है जो ये 1500 रुपये का पेड़ है? एक ये इससे फूल आता है। हाँ, ऑफिस में रखा जाता है। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है फिर जो ये 1500 रुपये का एक लाभ होते हैं इससे, इसे रखने में बड़ी बड़ी घरों में, कोठियों में आप अपने घर में रख सकते हैं आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। ये कौन सा प्लांट आ जाता है फिर, 1000 रुपये का आता है ये? लड्डू गोलगप्पा। अच्छा, लड्डू गोलगप्पा, इसकी कटिंग कर रखी है आपने? हाँ। कटिंग ही करके रहते हैं ये। हाँ। लड्डू गोलगप्पा, वे इतने बड़े हो जाते हैं ये, जैसे वो हो रहे हैं लंबे वाले हैं। अच्छा, वो लंबे वाले हैं, उनकी भी कटिंग है। ये लड्डू गोलगप्पा है और वो फिर आइसक्रीम होंगे। और वो कौन से नाम है फिर? बोलते हैं डंडा। अच्छा, डंडा प्लांट, बेल वाले, कटिंग वाले, ये वो लंबे वाले डंडा प्लांट है। ये लड्डू गोलगप्पा प्लांट है, लड्डू गोलगप्पा। ये फिर ये कौन सा है? ये डबल वाली मोरपंखी है, डबल वाली। ये डबल वाली मोरपंख पौधा है, ये सब एक ही है। ये कौन से आ रहे हैं फिर? ये है लोकार्ट। लोकार्ट, लोकार्ट लग रही है, इससे फ्लावर्स आ रहा है, ये साथ फल आ रहा है इसका, इसका फल आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। और कमरक है वो। अच्छा, ये कमरक है। इससे ये, इसका क्या मतलब फायदा होता है? ये फल आ रहा है इसका,
हाँ नहीं, उस फल का क्या होता है इसका? मुझे पकने के बाद तो खाया जाता है, खट्टा मीठा लगता है, सब्जी बनती है अंबे की तरह। हाँ, बिल्कुल। और क्या रुपए का मिलता है ये? बहुत बड़ा हो रहा है, 1100 रुपए का पेड़ है। 1100 रुपए का? हाँ, बड़े भी तो बहुत है, फल आ रहे हैं। 1100 रुपए का पेड़ है ये, सगले 1100। ये 1100 रुपए का पेड़ है। ये भी मैं भूल गई, क्या बता रही थी आप? इस लोकार्ट, इस पे लोकार्ट लग रही है और इस पे आ रही है फ्लावर्स, मतलब बनने चालू होगी। देखिए लोकार्ट, ये देख सकते हैं आप, है ना? और वहाँ पर वो लग रहा है जो आप देख सकते हैं, कमरख। कमरख हिंदी में कमरख बोलते हैं इसे। और तो चलिए मैं अब आगे से दिखाऊंगी, तो चलिए आगे दिखाती हूँ मैं अभी आपको। ये कौन सा प्लांट बोलते हैं? इसे क्या रुपए का देते हो आप? ये 300 रुपए का। इसका फिर क्या फायदा होता, कितना बड़ा होता जो इतना महंगा? अच्छा, वो तो छोटे हैं ये 300 रुपए के। अच्छा, ये गोल्डन जूनिपर बड़ा वाला है। ये वाला है? हाँ। गोल्डन वो जो वहां रखा है। हाँ। काफी अच्छी अच्छे अच्छे पोर्ट हैं, पौध रखी है। और देखते हैं आगे, और देखो यहाँ पर भी अच्छा लग रहा है सब कुछ। बहुत बड़ी नर्सरी है, बहुत बड़ी। ये कौन से पौधे है? ये मोंगनी। मोंगनी ये मतलब लकड़ी में चलता है। दिया क्या रुपए का जाता है मोंगनी का पौधा? 100 रुपए का। हाँ, मोंगनी का पौधा 100 रुपए का दिया जाता है और बहुत बड़ा हो जाता है। बहुत बड़े तो ये होने वाले दिख रहे हैं। तो ये जो है ये केले हैं, केले होंगे ये तो? केले। जो केले का बड़ा पेड़ हो जा, ये क्या रुपए का? कौन सा? अच्छा, इस पर लग केले लगते नहीं है। अच्छा, हाँ। क्या रुपए का दिया जाता है ये पौधा? 50 रुपए का। तो ये 50 रुपए का पौधा है जो पूजा वाला होता है। यहाँ पे अमरूद भी काफी सारी कलम है। मुझे तो कोई जरूरत नहीं है खरीदने की, क्योंकि मैं तो कलम से ही कलम बना लेती हूँ। यहाँ पे नींबू आपको दिख रहे होंगे इतने बड़े बड़े, मैं नींबू विम्बू सब अपने आप ही बना लेती हूँ। यहाँ पर देखिए कांटे देख सकते हैं। आ जाओ, ये बड़े सुंदर लग रहे हैं काय के पौधे। ये लैला मजनू का पेड़ है। अच्छा, लैला मजनू, दोनों कलर है इसमें। बिल्कुल बढ़िया। देखिए ये क्या रुपए का दे रखा है? ये 60 रुपए का। अच्छा, लैला मजनू का पौधा है तो देखो 60 रुपए का दे रखा है। दोनों कलर लग रहे हैं, ऊपर से मजनू का है नहीं लैला का है इसमें। जैसा नाम है पौधा भी वैसा ही है। गंगा जमुना भी बोलते हैं। हाँ, और ये शमिया जो पूजा होती है शनिवार के दिन। अच्छा, शनि है जो पूजा होती है शनिवार के दिन। अच्छा, ये और सब जो ये सब गुलदावरी है, चमेली है। ये गुलदावरी चमेली का क्या रुपए के दे रखे हैं फिर तुमने? वो 20-30 रुपए वाले होंगे? 30 रुपए वाला। 20-20 वाले होंगे ये तो? नहीं, 30 रुपए का है। अच्छा, 30 रुपए का मिलेगा। अच्छा, ये कौन सा प्लांट है? आ जाओ मेरे साथ साथ आ जाओ। ये कौन सा है? ये चंपा का पेड़ है। अच्छा, चंपा का क्या रुपए का दिया जा रखा है? 50 रुपए का। काफी अच्छा है, इतना बड़ा पेड़ है चंपा का। इस पे फिर कुछ फ्लावर्स आता है या फिर फूल आता है? बड़ा है ना, बड़ा फूल आता होगा। आ जाओ इधर को। ये क्या है? चांदनी, डबल चांदनी। डबल चांदनी, फूल ही फूल आता रहता है इस पे। मंडपों में देखते हो कितने लगते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ये वो है जो गोल पेड़ हो जाता है। ये क्या रुपए का दिया जाता है? अच्छा, इसके बारे में बताओ। ये जो उस पे ड्रैगन फ्रूट जो लगा खाने वाला, ये वो है क्या? ड्रैगन फ्रूट 20 रुपए का पोट? नहीं, ओ 100 रुपए की एक। ये ड्रैगन फ्रूट 100 रुपए का एक है। ये तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ये तो ले जाऊंगी जरूर। चाहे बंदर हो, 1000 बंदर तो वहाँ खैर रहते हैं।
है ना। मैंने इसीलिए बोला, दवाई लेने आई थी, मैं कहा मुझे नर्सरी दिखाने लेके चलो और मैं नर्सरी को पूरी को देख आऊँगी, जो जो मुझे अच्छा लगेगा मैं आके डिसाइड करूँगी घर में और जब ले आऊँगी गाड़ी में। तो मैं अब तुमसे पूछ के जा रही हूँ, जो हाथ में लेके जाऊँगी तो एक हाथ लेके जाऊँगी। तो ये फिर बड़े सुंदर लग रहे हैं, मतलब एक रख लेते हैं जैसे बालकनी में। ये कौन सा पौधा बोलते हैं? इससे सांप नहीं आता घर में। अच्छा, इसकी वजह से सांप नहीं आता घर में, क्योंकि सांप के इसका नाम जो है ना, इसका नाम को बोलेगी ये इसका नाम क्या आता हूँ। अच्छा चलो, वैसे है क्या रुपए का इतना ध्यान होगा? 150 रुपए का पौधा है। सांप के कलर का खुद ही है तो सांप क्यों आएगा इसे देख के, है ना? सही कह रहे हो। ये क्या है फिर? ये पान की बेल है। अच्छा, पान मतलब जो खाते हैं, चबाते हैं। अच्छा, ये क्या रुपए का पौधा दे रखा? 50 रुपए का पौधा। पान जो आप खाते हो तो इसे घर में भी उगा सकते हो। घर में उगाना सही रहता है, बेकार रहता है? अच्छा, सही रहता है। ये बेल पत्थर आ गई आपकी? हाँ, बेल पत्थर। अब वही भी क्या रुपए का? 50 रुपए का। और ये पीछे कौन सा पौधा बोला जाता है? चाइना पम। ये पौधा क्या रुपए का? 120 रुपए का। 100 रुपए का आप दे देंगे इसे? चलो ले जी। नर्सरी बहुत बड़ी है, बहुत सारे पेड़ हैं, काफी सारे हैं, बहुत सुंदर सुंदर हैं। देखने की चीज है और दिखाने की चीज है, सारी दिखाऊंगी। ये केला कौन सा रख रखा? ये भी पूजा वाला ही है? हाँ। अच्छा, ये क्या रुपए का दे रखा है तुमने? ये भी 150 रुपए। अच्छा, इसका क्या नाम है? इसका नाम है, चलो, माल आया है। अच्छा, माल नया आया है। तो यहाँ पे रानी जी के पेड़ में कौन कौन से कलर वे मिल जाते हैं? कलर इसमें यहाँ रामा श्यामा है। अच्छा, रामा और श्यामा। हाँ, अच्छा, वो जो लाल वाली पत्ते वाली होती है वो नहीं है यहाँ पे है, वो श्यामा होती है, वो है। अच्छा, क्या रुपए का देते हो ये रानी का? रामा श्यामा और लाल पत्ते वाली जो पत्ते वाली श्यामा तो होती है। श्यामा यहाँ पर है, पल्ली तरफ यू रामा है। अच्छा, अच्छा, तो ये ऐसे होंगे, ये भी 20-30 वाले 20 रुपए की पोट दे रखी है। हाँ, बहुत सुंदर, सबसे सुंदर देखिए यहाँ पर ये लग रहा है, ये लग रहा है यहाँ पे सबसे सुंदर। ये कौन सी पोट है, मतलब ये कौन से गमले हैं? करोटन। ये क्या रुपए के दे रखे हैं? ये है 60 रुपए। 60 रुपए का। इससे बड़ा साइज है 150 रुपए का। अच्छा, जो जो कोई कॉम्प्रोमाइज करना चाहे, मतलब जो कोई कम करना चाहे तो आप 10-20 रुपए कम कर देंगे? नहीं करेंगे, इसमें नहीं होने का। अच्छा, ये है 150। क्या बताया था ये आपने? करोटन। हाँ, ये करोटन। करोटन डबल वाली हो, सिंगल वाली है। अच्छा, सिंगल वाली 60 रुपए की और ये 150 रुपए की है। बड़ा पौधा 150 रुपए का है, बड़ा। आप सिंगल ले जाइए, आपको हो सके तो 60 में या 50 में दे दें। ये 60 में तो है ही है, 50 में दे दें, वो आपकी मर्जी है या इनकी मर्जी है। ये कौन सा है फिर? ये डिपिन। डिपिन प्लांट है, डिपिन प्लांट बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। क्या रुपए का है डिपिन प्लांट? ये भी 150 रुपए का है। बिल्कुल बढ़िया, मेहनत करते हैं फिर। और अच्छा, ये पौधा है डिपिन? डिपिन पौधा कोलकाता से लाया जाता है। ये काफी सुंदर लग रहा है, ये बालकनी में ये पौधे बहुत ही अच्छे लगते हैं, देखिए एकदम। थोड़ा सा इधर को भी आ जाइए, बस थोड़ी सी और रह रही है। ये छोटा, ये छोटा डिपिन, ये डिपिन आ गया 60 रुपए का। ये डिपिन पौधा जो आ गया आप देख रहे हैं 60 रुपए का। ये क्या है फिर? ये ली तो अशोक है। अच्छा, इसका क्या फायदा होता है? ये तो सजावटी पेड़ होता है, अच्छा सजावटी होता है, जैसे कि कहीं लगा लो प्लॉट के बाहर या जैसे भी लगा लो आप, गेट के बाहर लगा लो। हाँ, इसकी पत्ती नीचे को चलती है ना, पत्तियाँ इसकी नीचे को चलती हैं, देखो नीचे को चल रही हैं। और ये क्या रुपए का मिलता है देखो? ये 70 रुपए का है, काफी बड़ा है, छोटा नहीं है वैसे। 70 रुपए में कोई हारी बात नहीं है वैसे। और देखो ये कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे,
ये कौन सा है फिर आंटी जी? ये है रबड़ प्लांट। रबड़ प्लांट, इसका क्या फायदा होता है? ये अच्छा लगता है, छाया जल्दी देता है। अच्छा, ये छांव का पेड़ है, तो जैसे कि अपने घर में भी लगा लो तो छांव छांव होगी इसकी। जैसे आंगन लंबा चौड़ा हो। अच्छा, आंगन लंबा चौड़ा हो वहाँ लगा लो, सुंदर लगेगा। क्या रुपए का मिलता है ये? ये 250 रुपए का मिलता है। छोटे में जो छोटा होगा तो वो कम में मिल जाएगा, है ना? छोटा नहीं है ये, इतना ही बड़ा। और देखो एक चीज सबसे बढ़िया आपको बताऊं, दिखाऊं, मैं दिखाना चाहूंगी, ये देखिए, ये कौन सा आ रहा है फिर इसे बताइए आप, ये क्या है? ये है आग धतूरा। आग धतूरे की किसको जरूरत पड़ती है यहाँ पे? जब वो कमलिया कमल इसका पत्ता पूजा भोले पे चढ़ता है। अच्छा, ओके, समझ गई। और देखो ये कितना बढ़िया है, देखो कितनी दूर से मैं आपको दिखाना चाहूंगी, इसे कौन सा बोलते हैं? मेरे पास है ये, एक है था, मतलब ले गए थे 2 साल पहले, घर बनने में बेकार हो गया। क्या बोला? फरकरिया पेड़ है, देखो कितना बड़ा ये खिल रहा है, बहुत ज्यादा वो बड़ा हो रहा है ये। और यहाँ पर देखिए, ये तो आप देख रहे हैं। आइए आंटी जी, इधर को आना, गमले भी लेने हैं ना, तो गमले भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। यूपी जिला मेरठ से 25 किलोमीटर दूर किला परीक्षितगढ़ आलमगीरपुर बड़ला बारे से मैं सुनीता प्रजापति आप सभी का अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो नर्सरी वाले हैं और जो नर्सरी प्लांट खरीदना चाहते हैं उसे आप शेयर कीजिए वीडियो को, कम से कम आप व्हाट्सएप पे, मैसेजर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, और आप कम से कम 15 जगह जरूर शेयर कीजिए। यहाँ पे देखिए गमले भी आपको दिखाई देंगे, और देखिए आंटी जी ने यहाँ पे अमरूदों का सभी कुछ का बाग लगा रखा है। गमले कितने ही बड़े ले सकते हैं आप। पहले हम इसे देख लेंगे, यू क्या है आंटी जी, ये क्या? ये भी जेनेटिया, दूसरे कलर का। अच्छा, देखिए कितना बड़ा है ये, आप इसके समीत ही देने वाली है ना इसे, इसके समीत ही देने वाली है ना? हाँ जी, हाँ इसके समीत ही। हाँ, नाम भूल गई मैं आंटी जी, नाम इसका जेनेडू। जेनेडू है ये, दूसरे कलर का है। अच्छा, तो इसकी बस यही सुंदरता रहती है ना? हाँ जी। और इसका कोई, इस पर कोई फूल नहीं आता? नहीं, कुछ नहीं। ना इसका कोई वैसे महत्व है, कटिंग होती है, गोल बन जाता है। लेकिन इसकी कटिंग करते हैं ना तो बहुत सुंदर लगता है अपने आप में, जैसे कि कोई पेंटिंग कर दियो। क्या रुपए का मिलता है इतना बड़ा? 2000 रुपए का है। बहुत जेनेडू, बहुत भारी, 2000 रुपए का, और बहुत बड़ा भी है ये, आज का नहीं है। मुझे लग रहा है कि 13 साल का पौधा है, 13 साल का पौधा हो रहा है, तो देखिए बनता भी है। और गमले एक दूसरे, देखिए अमरूद का बाग कितना बड़ा है। आंटी जी ये क्या लगा रखा है? ये बहुत सुंदर लग रहा है, ये बेल है। अच्छा, ये काय की बेल है फिर? ये जो जिस पे नीला फूल आ रहा है ये काय की? वारंटा। इस पे ये सिर्फ फ्लावर्स के काम आती है, फूल के है? फूल, नीलकंठ वाला फूल बोलते हैं सर। नीलकंठ वाला फूल, ये आप देख सकते हैं नीलकंठ का फूल इस पे खिल रहा है। क्या रुपए का पौधा मिलता है ये? यहाँ पौधा इस टाइम है नहीं। हाँ, वैसे मिलता क्या रुपए का है? ऐसे मिलता है 50 रुपए। 50 रुपए का पौधा मिल जाता है। और देखिए ये केले वे हैं जो लगने वाले हैं, जिन पे वाला केला है। क्या रुपए का मिलता है ये? ये तो 40 रुपए का। ये 40 रुपए का आपको केले का पौधा मिल जाता है, ये देखिए 40 रुपए का। कोई सा भी, मेरी मर्जी, मैं कोई सा भी ले जाती हूँ, मैं जो मुझे बड़ा दिखेगा ना मैं बड़ा भी ले जाऊंगी मैं तो। आपका मुझे पता नहीं, आपको आंटी कैसे देंगी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं 2 साल पहले भी लेके गई थी यहाँ से 10-12 पौधे, लेकिन वो मिस्त्रियों ने सब खराब कर दिए। तो मुझे आज मन बना है, देखिए ये कैसा एकदम गिरा पड़ा है, माल गया ना इस बार क्या कल? हाँ माल गया, नहीं पड़ता। हाँ, बड़ी बड़ी बड़े बड़े जैसे फार्म है, बड़े बड़े वो हो गए, पार्क हो गए, हाँ कॉलोनी बन रही है, बहुत माल गया। हाँ, तो यहाँ से बहुत बहुत दूर तक तो माल जाता है, देखिए यह है इलायची का पेड़। हाँ हाँ।